श्री वाहिगुरु जी की फतेह। आज पहली पातशाही महाराज जी का जिहड़ा कल नूं गुरपुरब का दिहाड़ा पवित्र आ रहा, अज साडे शाहकोट शहर के उन्हां दे निमित्त कीर्तन दरबार का आगाज किया गया। मैं सब तो पहलो सारी संगत नूं, पूरे देशवासियों नूं, प्रदेशवासियों नूं ते खास करके शाहकोट हल्के की पूरी संगत नूं दिल दीआं गहराइआं तो लख लख मुबारक पेश करदा। पहली पातशाही गुरु नानक देव जी महाराज जी का जिहड़ा सानू फलसा सानू अज वो ग्रहण करन दी लोड़ आ, उन्हां दी सोच नूं सरजदा करन दी लोड़ आ, उन्हां दे पहरा देण दी लोड़ आ और अगे वध के चलन दी लोड़ आ। तां ही गुरु नानक देव महाराज जी का जिहड़ा सुनेहा पूरे संसार च लोकां तक पहुँचूगा। सो अज मैं सारी संगत नूं, पूरे देशवासियों नूं, प्रदेशवासियों नूं, इलाका निवासियों नूं दिल दीआं गहराइआं तो लख लख मुबारकां पेश करदा, बहुत बहुत वधाई दिंदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह। सतगुरु नानक प्रगटिया, मिट्टी धुंद जग चानण होआ, ज्यों कर सूरज निकलिया, तारे छपे अंधेर पलोआ। साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी दे 553वें प्रकाश पुरब की गुरसिख संगतां नूं, गुरु नानक नाम लेवा संगतां नूं, वसदे पंजाबियों, पंजाबी भाईचारे नूं, देश विदेश में बैठिया संगतां नूं वधाई दिंदा हाँ। गुरद्वारा श्री गुरु सिंह सभा मेन बाजार शाहकोट तो विशाल नगर कीर्तन सजाया जा रहा, पंज प्यारियां दी अगवाई दे विच, जो शहर दे विच अगवाई करदे होए पंज प्यारे गुरु साहिबां दी अगवाई दे विच विशाल नगर कीर्तन कढ़िया जा रहा है। इस दे संबंध विच आरंभ किए गए श्री अखंड पाठ साहिब दे भोग 8 नवंबर दिन मंगलवार को सवेरे 7:30 बजे पाए जाएंगे अते रात का विशेष दीवान होगा। कीर्तन अते महान प्रचारक सिख कौम के कथावाचक रात के दीवान दे विच हाजरी भरनगे। सो इलाके भर दीआं संगतां नूं अपने वल्लों गुरद्वारा श्री गुरु सिंह सभा की मैनेजमेंट कमेटी वल्लों प्रधान जी डॉक्टर अरविंदर सिंह जी रूपरा ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 553ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਲਾਹਾ ਲਈਏ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।